आदरणीय नवाज खान जी आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर गुच्छ देकर आत्मीय अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय जी से कटिबद्ध अनुरोध, हमारे बीच प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी भी उपस्थित हैं, उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय दलेश्वर साहू जी से भी कटिबद्ध अनुरोध, माननीय प्रभारी मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय नवाज खान जी से भी कटिबद्ध अनुरोध, आप माननीय प्रभारी मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। लीजिए अब पूरी विनम्रता और बड़ी सम्मान के साथ आगे की कार्रवाई हेतु यह मंच सादर समर्पित करता हूं आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सीएम साहब को। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की जय। आओ पत्रकार संगवारी मन से निवेदन, बैठ के यदि फोटो खींचत बनाते तो ज्यादा अच्छा रहते। मजदूर साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, लड़का मन, सब अधिकारी मन और पत्रकार संगवारी मन, ये गांव में मैं पहले भी आ चुके हैं। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे तो पद यात्रा कर रहे हैं और वो समय 14 नवंबर के आ रहे हैं जब नेहरू जयंती मना रहे हैं, आज 15 नवंबर है। कतई सुंदर संयोग। अधिकारी मन भी है, जनप्रतिनिधि मन भी है और हम जन विधानसभा में मंत्रालय में बैठ के जिन फैसला करदन कर लाभ हमारे गांव के रहिया मल्ला दीदी बहनी मल्ला भैया मल्ला मिला थे कि नहीं मिला थे एक जानकारी ले बर हम निकले हैं। और बस्तर संभाग हो गए, पूरा सरगुजा संभाग हो गए, साथ ही बिलासपुर संभाग के रायगढ़ जिला भी हो गए, मरवाही भी हो गए और चापा जहांगीर हो गए। अब ओकर बाद दुर्ग संभाग के बालोद कवर्धा, अब ये राजनांदगांव जिला में आपके बीच में आया है। लगातार भेंट मुलाकात के कार्यक्रम आदिवासी अंचल में भी, जंगल में भी हमन जा था और मैदान में भी जा था तो सब पर अलग अलग ढंग से योजना हमन बनाए है। जंगल तरह जाओ तो तेंदू पत्ता खरीदे की व्यवस्था, लघु उपज खरीदे की व्यवस्था, ये सब हमन करें तो इतने मैदानी हिस्सा पर किसान तो सबक होते ले, जंगल में भी है और मैदान में भी है। तो सबसे पहले हमारे सरकार बनी तो हमन कह रहे किसान मल्ला 2500 रुपया देबो और ऋण माफी करबो। तो भाजपा को मन कहा हमन 15 साल सरकार चलाएं तो ठक ठक के चलाएं, 3 साल चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस अब तक 2500 रुपया दे डरबे हमन के देबो और किसान मन के ऋण माफी करबो। तो 19 लाख किसान के 9000 करोड़ रुपया हमन माफ करें। तो किसान भाई मन आया है बहुत संख्या में, ताली भी बजाते हैं तो जिन जिन किसान के ऋण माफी हुए हाथ उठावा है। हाँ यहाँ बेलगाम बहुत आ महिला मन तक उठावत और पहली साल 2500 रुपये क्विंटल में धान बेचे थे मन हाथ उठा है और दूसरा साल का हो कि भारत सरकार के कहते हैं समर्थन मूल्य 1 रुपये को ज्यादा दे तो तुर चाउर ला नहीं ला तो हमारा धान ला नीलामी करे भी पड़े भाई। तो कर बाद कोदो कूट की रागी भी खरीदे की व्यवस्था करें, गन्ना भी खरीदा था, मक्का खरीदा था और ये साल उड़द है, राहर है, मूंग है, एक समर्थन मूल्य में खरीदे मन करबो और 9000 रुपया एकड़ दे था तो 9000 रुपया पिछले साल के परिहार के 10000 और ये भगत के 3 किस्त देवारी पहली तो मैंने 21 मई की दे रहे हैं, ओकर 20 अगस्त के, 1 नवंबर के, तब देवारी भगत 24 तारीख के पर गए हम 17 तारीख के ही सब किसान मन के खाता में डाले रहे पैसा, देवारी बढ़िया बीता मना है। तो तीसरा किस्त जैसे मिले थे उन्होंने हाथ उठा हुआ है सब जानेंगे। अच्छा कोनो किसान बोलना चाहते हाँ वो दाढ़ी वाला दे कहा नाम है? मोर नाम दुर्जन लाल है मुख्यमंत्री महोदय जी। का नाम? दुर्जन लाल खरे। दुर्जन लाल खरे कौन गाड़ी था? मैं भंडारपुर था सर। भंडारपुर? हाँ कहते वो रायपुर कर ये भोसली भंडारपुर। अच्छा मैं कहा था बालदास गुरु भंडारपुर का भोसली भंडारपुर। अच्छा कतई जमीन है?
मोर डेढ़ एकड़ है सर। और लोन ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। ऋण माफी हुई? हुई सर। कतेक? 20,000 रूपए ले रहे हैं, पूरा हो गया। पूरा माफ हो गया। हाँ। और धान सोसाइटी में बेचते हैं? हाँ सोसाइटी में बेचते हैं। है और एक ठन आप तकलीफ भर बताऊ मैं। हाँ। मोरे समस्या है वहाँ। हाँ। ये 1300-1200 रूपया गैस सिलेंडर दिखी मोर आखिर पानी निकल गए सर। ये मैं इतने टाइम कहा हूँ साहब आपके पास दुख लेके, तो मैं आपसे अगर कुछ बनते गरीब आदमी के लिए तो आप सब्सिडी यदि हूँ तेल में ही सुने अच्छा। गुर्जन भैया बहुत अच्छा बात की, ये गैस सिलेंडर है तेल केंद्र सरकार बढ़ाते कर रेट वही तय करते भाई, पेट्रोल के भाव वही तय करते केंद्र सरकार है, डीजल के भाव लोग वही तय करते है ना, माटी तेल की कीमत लोग वही तय करते, ये रासायनिक खाद जबका डीएपी यूरिया पोटास जबका आते तेल भारत सरकार तय करते, और तबो खड़े जी कहा थे कि तेल कुछ मदद कर दे कहा, तो मैं दुर्जन भैया तो बता दो सुन काम दे है ना, बात ये है कि भारत सरकार तुम्हारे थैली में साइफन पाइप लगा दे, जब का पैसा तेल निकालेगे पेट्रोल के भाव डीजल के भाव रसोई गैस के भाव माटी तेल के भाव खातों के भाव सब लोग बढ़ा के तुम्हारे पैसा जब का रहते तेल तिरक जा तोरे पर वही वो दाढ़ी वाला, लेकिन अब तक घन नहीं होकर तिरक हाँ मैंने डायरेक्ट पूछा करो सर ऋण माफी करें तुम्हारे जेब में पैसा की 2500 रूपये खरीदे तुम्हारे पैसा तुम्हारे जेब में पैसा की गौमूत्र खरीदे का भी व्यवस्था करें, कत्तो जो शुरू नहीं हो पाए वही तो पैसा चाहिए, भूमि श्रमिक है मजदूर है एको डिस्मिल जमीन नहीं वो मान लो पैसा दे, तो हम पैसा डायरेक्ट काम करता वो तीरे काम करा था कैसे कट डरू में नहीं सर आपके योजना जो है ना अच्छा अच्छा बस सर तो ये कहा है बीच वाले केंद्र वाले कर रहे थे तो आप मन का कर वही पाए थे ना महंगाई और बेरोजगारी ले लेके लेके मन बट नारा लगा थे मैं जाना था राहुल गांधी है भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा कर दी महंगाई और बेरोजगारी चक्कर में हाँ 1500 किलोमीटर चल रहे होगा। हाँ जी कहा नाम है जी? जय जोहार का सबले पहली जय जोहार मोर नाम चंद्र कुमार निर्मलकर हवे काका सेंटिग्री रीत हूँ सेंटिग्री सर हाँ काका के एकड़ जमीन 2 एकड़ 11 डिसमिल है काका लोन ले रहे हैं? नहीं ले रहे अच्छा लोन नहीं ले रहे नहीं अच्छा किसान आते हैं और धान बेचते हैं सोसाइटी में हाँ काका धान के कट्टा मोर 80 कट्टा के आसपास 80 कट्टा के और राजीव गांधी किसान आयोजन कब का आते खाता हम किस्त में 5,000 के आसपास आते 5,500 हर तिमाही में आते थे ना हाँ है ना हाँ तो पैसा तीसरा किस्त वो मिल गए हाँ मिल गए कहा करे सो पैसा के दिवाली पर सब सामान वामान दिवाली तभी हुई होकर पहली भी मिला रिश्ता कैसे करे वो पैसा के वो भी पैसा उपयोग में इसने काका समय के अनुमान अनुसार से हाँ उपयोग में इस पूरा हुआ अच्छा तो बताना नहीं चाहता अच्छा हमारे बहु बार कॉलेज जी पहले बता साड़ी ले रहे हो काका बने फ्रे बने सिंह साड़ी ले रहे हाँ। अच्छा और लड़का मन पर लड़का मन पर गलत जींस जींस ले रहे हो काका समय सुंदर अच्छा है ये योजना हाँ बहुत बढ़िया काका और मोर मात्र एक समस्या है जीवन में हाँ मैं 18-19 में रमन सरकार के राज में ई रिक्शा ले रहे हो काका श्रम विभाग से देरी से और मैं तेंदू पत्ता महामालिकर करके 13,000 जमा कर रहे हूँ काका वहाँ अंशदान और ओकर बाद 10,000 जमा करना रही से बैंक वाले की थे पैसा नहीं डला थे नहीं डला 3,000 और डाले तो डलाही की से तो फिर 13,000 डाले हूँ काका और वो ई रिक्शा मिली मोला और वो पूरा गुणवत्ता ही रही से वहाँ और एक महीना बाद में कंपनी वाले बोले हूँ कि साहब जो ई रिक्शा दे मोला वो गुणवत्ता ही नहीं है वो वापस लू का इसे की क्या तो एक बार बिका हुआ चीज वापस नहीं हुआ की खर्चा वर्चा है तेला मन पूरा बंधक बना ले काका बैंक वाले है और दिल्ली भी साफ दे लगी की थे पीएम मुद्रा लोन से दी से और
मुद्रा लोने मुर्दा लोने ते मोर समझ नहीं आप कका मोर रमन के रमन काल ले बचा लो कका मोर 1,18,000 के वसूली भेजे है बैंक का सब रंजेश के काम करा दे हां कका चल मैं तो समझ देख आवेदन दे दूं देख बोल हां कका ठीक है धन्यवाद हैं अरे रविवार बाबू आ रहा हूं और एक मासे को जाब पाया बैंक का मेरा पांच रोबो को दम धरो अभी हां कका भी जिंदा है अंग्रेजी पढ़ा है ना तो ओकर बर अब सब जन चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ा है लेकिन अंग्रेजी स्कूल के फीस अटका है को जमा नहीं कर सकन तन मन मार के दूसरे स्कूल में भर्ती कर हमारा निशुल्क अंग्रेजी पढ़ाई होए तेकर बर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले हैं तो कई जन लेकर है काकर काकर लेकर जन पढ़ते अंग्रेजी स्कूल में हाथ उठाए बोला कहाँ रही था पप्पू गांव में अच्छा यही गांव में रही है तो लड़का का नाम है ईशान ग्राम अंकुश ग्राम दो जो लड़का है सर दोनों जनों स्वामी आत्मानंद में पढ़ाते दोनों जाते सर यहाँ एको जन के भर्ती नहीं हो तो दो जन लेकर भर्ती हो गया हाँ सर बड़ा किस्मत वाले से यार तो कौन कौन किस क्लास में है क्लास 4 और क्लास 6 में आए हैं हाँ आए कहाँ है अच्छा मैं यहाँ तो छत्तीसगढ़ी में पूछू तो अंग्रेजी जवाब दे बे ठीक है हाँ दे दो कार्ड लेते का नाम तो माय नेम इज शान गेड़ा अच्छा शान गेड़ा हो तो पिताजी का नाम है माय फादर नेम इज पप्पू लाल गेड़ा और तोर माँ का नाम है माय मदर नेम इज दीप संजय गेड़ा अच्छा और कौन गांव रही था आई लिव इन बेलगांव और कहाँ पढ़ते हो स्वामी आत्मानंद डोंगरगढ़ अजय बता पहली कहाँ पढ़ते रहे मोंटेसरी प्ले स्कूल और कते फीस जमा कर रहे थे तो पापा 500 पर मंथ यस और अभी फ्री फ्री तो पैसे बांचा थे यस सर हाँ तो बोल देते तो पॉकेट मनी देते नहीं तो पापा यस सर हाँ पहली ज्यादा देते क्या अब अच्छा ठीक और कोई बच्चे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हाई स्कूल के प्राइमरी स्कूल के बच्चा है और कौन है हाँ कौन बोलना चाहेंगे अ वेरी गुड आफ्टरनून सर सर आई एम गौरी अग्रवाल आई एम स्टडिंग इन क्लास 8 आई हैव केम हियर फ्रॉम स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल दुंगा जी अपने स्कूल के बारे में बताइए सर स्वामी आत्मानंद इज अ बेस्ट स्कूल इन दिस वर्ल्ड ओ क्या क्या सुविधाएं है आपके स्कूल में सर देयर आर मेनी फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स देयर आर मेनी थिंग्स देयर आर केमिस्ट्री बायो फिजिक्स लैब्स लाइब्रेरी स्पोर्ट्स रूम्स स्मार्ट क्लास एसेक्टा वाह बहुत बढ़िया ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद